गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जी के इन योर माइंड ऑलवेज में। दोस्तों, आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, आज आपको बताएंगे 3 व 4 दिसंबर 2018 के करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज के बारे में। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, IIITF दिल्ली 2018 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला? दोस्तों, इसका आंसर है उत्तराखंड। दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तराखंड को नई दिल्ली में आयोजित 38वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया। दोस्तों, उत्तराखंड के पेविलियन में केदारनाथ में किए गए पुनर्निर्माण के कार्य को दर्शाया गया है। दोस्तों, राज्य में पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में भी बताया गया है। दोस्तों, उत्तराखंड के पेविलियन में विभिन्न स्थानीय जैविक उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में पुरालेखवेत्ता इरावाथा महादेवन का निधन हुआ, वह किस राज्य से संबंधित थे? दोस्तों, इसका आंसर है तमिलनाडु। दोस्तों, इसके बारे में बता दें कि इरावाथा महादेवन प्रसिद्ध एक पुरालेखवेत्ता थे। दोस्तों, उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। दोस्तों, उनका निधन 88 वर्ष की आयु में तमिलनाडु के चेन्नई में हुआ। दोस्तों, वे तमिल दैनिक पत्रिका दिनमणि के संस्थापक भी थे। दोस्तों, उन्हें सिंधु घाटी सभ्यता में पुरालेख में विशेषज्ञता तथा तमिल ब्राह्मी पुरालेख को समझने की सफलता प्राप्त की थी। दोस्तों, उन्हें नवंबर 2014 में एशियाई सोसाइटी ऑफ मुंबई द्वारा कैंपेनविल मेडल प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनील अरोड़ा जी ने भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में शपथ ली, उन्होंने किसका स्थान लिया? दोस्तों, इसका आंसर है ओम प्रकाश रावत जी। दोस्तों, आपको बता दें कि सुनील अरोड़ा जी ने भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में शपथ ली। दोस्तों, वे 23वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने। दोस्तों, उन्होंने ओम प्रकाश रावत का स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कौन सी इंजन रहित ट्रेन ने 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रायल रन पूरा किया? दोस्तों, इसका आंसर है ट्रेन 18। दोस्तों, आपको बता दें कि ट्रेन 18 के नाम से जाने जाने वाली भारत की पहली लोकोमोटिव लेस ट्रेन ने राजस्थान के कोटा सवाई माधपुर सेक्शन में टेस्ट रन के दौरान 180 किलोमीटर प्रति घंटे की गति सीमा पार कर ली। दोस्तों, जब यह स्वदेशी डिजाइन की गई ट्रेन परिचालित हो जाएगी तो यह देश की सबसे तेज ट्रेन बन जाएगी। दोस्तों, शेष भारतीय रेलवे प्रणाली जैसे ट्रैक और संकेत परमिट के साथ ट्रेन 18 प्रति घंटे 200 किलोमीटर की गति भी हासिल करने में सक्षम है। दोस्तों, 16 कोच के साथ ट्रेन में शताब्दी एक्सप्रेस की तरह ही सामान्य यात्री क्षमता होगी। दोस्तों, ट्रेन 18 जनवरी 2019 में अपना कमर्शियल रन शुरू कर देगी। दोस्तों, ट्रेन 18 चेन्नई के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में 18 महीनों में बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने ट्रांसफैट के दुष्प्रभावों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए किस नाम से अभियान की शुरुआत की? दोस्तों, इसका आंसर है हार्ट अटैक रिवाइंड। दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने औद्योगिक रूप से उत्पन्न ट्रांसफैट के दुष्प्रभावों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हार्ट अटैक रिवाइंड नाम से एक अभियान की शुरुआत की। दोस्तों, आपको ट्रांसफैट के बारे में बता दें कि ट्रांसफैट को तरल वनस्पति तेलों में हाइड्रोजन मिलाकर उन्हें अधिक ठोस बनाने और खाद्य पदार्थों के सेल्फ जीवन को बढ़ाने के लिए बनाया जाता है। दोस्तों, ट्रांसफैट काफ़ी हद तक वनस्पति मार्जरी व बेकरी शोटिंग में मौजूद होते हैं और दोस्तों, यह बेक्ड व तले हुए भोजनों में भी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 शिखर सम्मेलन के समापन अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा भारत को किस वर्ष के लिए शिखर सम्मेलन की मेजबानी मिलने की घोषणा की? दोस्तों, इसका आंसर है 2022। दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत को G20 की मेजबानी मिलने के बाद इटली को धन्यवाद दिया तथा साथ ही उन्हें G20 समूह के नेताओं को 2022 में आने का न्योता भी दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा भारत में ड्रोन उड़ाने के पंजीकरण हेतु कौन सी वेबसाइट लॉन्च की गई? दोस्तों, इसका आंसर है डिजिटल स्काई।
दोस्तों आपको बता दें कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने भारत में ड्रोन उड़ाने के पंजीकरण की प्रक्रिया आरंभ कर दी है। दोस्तों मंत्रालय ने इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल डिजिटल स्काई की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी डाटा के अनुसार अक्टूबर 2018 में 8 कोर अधोसंरचना सेक्टर की विकास दर कितना प्रतिशत रहा? दोस्तों इसका आंसर है 4.8। दोस्तों आपको बता दें कि वाणिज्य के एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी डाटा के अनुसार अक्टूबर 2018 में 8 कोर इंडस्ट्री सेक्टर के विकास दर 4.8 रही। दोस्तों यह विकास दर सितंबर 2018 में 4.3 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने कितने करोड़ रुपए में रक्षा उपकरणों की खरीद को स्वीकृति दे दी? दोस्तों इसका आंसर है 3000 करोड़ रुपए। दोस्तों आपको बता दें कि रक्षा अधिग्रहण परिषद ने लगभग 3000 करोड़ रुपए के रक्षा उपकरणों के अधिग्रहण के लिए मंजूरी दे दी है। दोस्तों इसमें ब्रह्मोस मिसाइल और बैटल टैंक अर्जुन के लिए आर्मर्ड रिकवरी व्हीकल शामिल हैं। दोस्तों रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण जी की अध्यक्षता में हुई यह बैठक में यह फैसला लिया गया। दोस्तों रक्षा अधिग्रहण परिषद ने रूस में 2 भारतीय नौसैनिकों के जहाज़ों के निर्माण के लिए स्वदेशी ब्रह्मोस मिसाइल की खरीद के लिए मंजूरी भी दे दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए 2021 से लेकर 2025 का फंड दुगना कर 200 अरब डॉलर कर दिया है? दोस्तों इसका आंसर है विश्व बैंक। दोस्तों आपको बता दें कि विश्व बैंक ने 2021 से लेकर 2025 तक का जलवायु कार्रवाई निवेद में 200 अरब डॉलर का अनावरण किया। दोस्तों और कहा कि यह वर्तमान 5 वर्षों के वित्त पोषण की दुगनी राशि है। दोस्तों यह कदम कोटोवाइस में संयुक्त राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन के साथ कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISSF के उपाध्यक्ष के रूप में किस पूर्व भारतीय खिलाड़ी को चुना गया? दोस्तों इसका आंसर है रानिंदर सिंह को। दोस्तों आपको बता दें कि रानिंदर सिंह अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग खेल संघ के 4 उपाध्यक्षों में से एक चुने जाने वाले पहले भारतीय बने। दोस्तों 91 वर्षीय रानिंदर राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का भी नेतृत्व करते हैं। दोस्तों पूर्व ट्रैप शूटर ने प्रतिष्ठित पद पर कब्जा करने के लिए 161 वोट प्राप्त किए। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें GK on your mind always को। थैंक यू दोस्तों।